I'm studio, let's go. I'm right, man. I'm right, man. Last train. Sir, this way. Yeah, all of you stay here. मन उब्राय का है जो बहुत ही सीरियस किस्म का आदमी है और यू नो जैसे दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वैसा प्रॉपर्टी डीलर है। बस उसकी एक ही मंशा है जिंदगी की, बस किसी भी तरीके से उसके पास ढेर सारा पैसा आना चाहिए और सडनली उसकी जिंदगी में चेंज आता है कि उसकी लाइफ में एक लड़की आती है और कट टू नोटबंदी होती है। उसके बाद क्या क्या होता है वो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा। थैंक यू। मैं रणबीर जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने रोल के और कैरेक्टर के बारे में मुझे बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे मीडिया कर्मियों को, जितने भी लोग यहाँ पर आए, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस। और आपके सवाल का जवाब देते हुए, मेरा रोल, मेरे कैरेक्टर का नाम है मैंडी और ये सिंपल लड़का है, कॉलेज से जस्ट पास आउट हुआ पड़ा है और लाइफ को इन्जॉय कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं कि उसके लाइफ में एक चेंज आने वाला होता है और सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है, लेकिन वो चेंज में भी एक चेंज आ जाता है जिससे हमारी स्टोरी में भी ट्विस्ट आता है और कैसे फिर घटनाएं घटती हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक प्लॉट हमने बनाया है। अब आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि डीमोनेटाइजेशन से आपका रिलेशन भी नीचे गिरता रहता है? नहीं, रिश्ता हमेशा कायम रहा है। ओके, कैन आई हैव दिशा सचदेवा प्लीज Speak about your role. Thank you so much everyone. Demonetization के ऊपर ये पिक्चर है और ये बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है। इसमें मेरा जो रोल है वो दिल्ली की चुलबुली सी लड़की का है जो कि अपने घर में रहती है। मैं इंद्रपाल सर की छोटी बहन हूँ। ये पिक्चर में मेरे को बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, मेरे को घर से बाहर नहीं निकलने देते। तो डीमोनिटाइजेशन जब होता है तो इन्हें बैंकों में लोन क्या होता है नोट बदलवाने की लाइनों में मेरे को भेजना होता है, तो मेरे को वहाँ भेजते हैं और उनकी वजह से मेरी लाइफ में एक ट्विस्ट आता है, मेरी लाइफ में एक अच्छा लड़का आता है और मेरे को डीमोनेटाइजेशन से थोड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन फिर प्रॉब्लम्स भी होती है। बाकी क्या प्रॉब्लम्स हैं वो सब आप पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा। थैंक यू। कैरेक्टर सोशल वर्कर का है, अगर आप में से किसी का विवाह ना हो रहा हो तो कृपया करके मुझे अपना नंबर दें, मैं पूरा प्रयास करूँगा, पूरा प्रयत्न करूँगा कि आप लोगों का विवाह हो। और दूसरा ये है कि वो डुअल कैरेक्टर है, जो रूल्स वो बाहर वालों के लिए लगाता है वो घर में नहीं अप्लाई करते और अपनी बहन को लेके बहुत पोजेसिव है। और वो कहते हैं ना कि जो बहुत सयाना होता है वो पंजाबी में कहते हैं कुट खाता है, तो इसमें फाइनली उसके साथ भी कुछ ऐसे ही होता है। वो कुट कैसे खाता है ये आप देखिए। मैं और पूछना चाहूँगी, मैंने ट्रेलर में देखा कि आपके पास, आप कह रहे थे कि सारे मेरे पास ही आ रहे हैं वाइट करारे पैसा, ऐसा क्यों? मतलब बहुत ज़्यादा खजाना था आपके पास, कि क्या थी ऐसी बात? नहीं, एक्चुअली ये था कि मैं सबसे गरीब आदमी हूँ जिसको जो पहले कोई पेमेंट नहीं देता था, नोटबंदी के बाद सारे मेरे पास पेमेंट लगाने के लिए लाइन में आगे पुराने नोटों के। तो मतलब एक्चुअली आपका अच्छा वर्ड किसी फायदे का नहीं था, वो फायदे का नहीं था क्योंकि नोटबंदी हो। हाँ भाई, लेकिन आप में से किसी ने एक्सचेंज कराना हो तो शायद मेरा कोई लिंक काम आ जाए। Yeah, can I request Miss Seema ma'am? So please can tell me something about your role character. Yeah, sure. Thank you so much, and I would thank the entire media here for this wonderful moment for us. मेरा role इस movie में बहुत ही interesting और बहुत ही significant है. मैं किरदार निभा रही हूँ एक rich business lady का जिसका नाम है
मिस एकता नंदा और वो काफ़ी रिच है डेफिनेटली और अर्ली 30s में है वो और अनमैरिड है सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग उसको अपनी लाइफ में शायद कोई धोखा मिला है तो शी इज़ ओनली लुकिंग फॉर जेन्युइन पीपल और जेन्युइन बॉय और जेन्युइन मैन सो उसको इस मूवी में उसका जेन्युइन लव मिलता है कि नहीं दिस इज ऑल अबाउट दैट एंड आई मेरे जो को एक्टर हैं मिस्टर इंद्रपाल सिंह जी इज अ सीजन्ड एंड अ वेरी पॉलिश्ड एक्टर सो मेरी पहली मूवी है सो इट वॉज really difficult for me but then such wonderful people so it was a good learning experience and I learned a lot thank you so much yeah. I would request Piyu jo ki just abhi hame join ki hai just tell me something about your character role in your movie hi myself Piyu actually meko pehle starting mein maine jab audition diya tha to meko second lead ke liye ma'am ne suggest kiya tha बट कुछ इश्यूज़ की वजह से तो मुझे मेल लीड दिया गया था तो मूवी पूरी बहुत अच्छी है मैंने सबके साथ बहुत इंजॉय किया सब लोग बहुत अच्छे थे एंड योर रोल लाइक वो किसके अपोजिट क्या है उसको स्पेसिफाई करिए प्लीज मेरे अपोजिट रणबीर हैं या और हम लोगों की लव स्टोरी है बेसिकली सो या सो डिड यू लाइक एंजॉय वर्किंग इन दिस मूवी या अ लॉट गुड चलो विदाउट फर्दर डू नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस टू द टीम ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर राहुल एंड वन एंड ओनली मिस्टर तोची रैना प्लीज गाइज यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम प्लीज सर जॉइन अस मिस्टर राहुल ओके ओके फाइन ओके Well, I would just say something about him. He has given us very soulful music like Kabira, Ek Tara, and many more. जिसे आज भी हम सुनते हैं तो एकदम मदहोश हो जाते हैं जैसे कि मैंने देखा जब वो यहाँ पे गा रहे थे तो सबके ऑलमोस्ट सबके फेस पे एक स्माइल थी सो आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि सिर्फ बैठे गा के हमें स्माइल दिला रहे हैं वो सो आई वुड थैंक यू सर फॉर दैट फॉर सच अ वंडरफुल वॉइस यू हैव एंड आई वुड लाइक यू टू से समथिंग वेल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी आप अब तक सोलफुल म्यूजिक देते आए हैं मतलब आपका अंदाज एक सूफियाना रहा है जैसे हम सुनते आए हैं इस मूवी में जैसे कि एक कॉमिक मूवी है उसमें आपको सॉन्ग देना कैसा लगा एंड हाउ इट वॉज फॉर यू मुझे आप सिर्फ पोइट्री दे दीजिए मैं पोइट्री का क्या होता है अपना एक साउंड होता है शब्दों का एक साउंड होता है और जब वो साउंड को पकड़ते हैं तो वो हमें डिस्टेंस वाइज कहाँ तक लेके जाते हैं तो जब आपको डिस्टेंस दिखता है तो कंपोजिशन बातों में ही कर देता हूँ मेरे को कंपोजिशन के लिए बैठना नहीं पड़ता है Now I would like to call the lyricist of the music Usha T Singh ji please can you join us on the stage and singer Gumla ji yeah I would like to open the floor for the media you can proceed with your questions पहली बात तो ये कि डायरेक्टर साहब कहाँ गुम हो गए अभी भी क्यू में खड़े हैं क्या नोटबंदी की तो जी एक अनरोमांटिक सब्जेक्ट के लिए जब आप गाने बनाते हो तो कितना बड़ा चैलेंज होता है ये आपके लिए सर चैलेंज सोचता नहीं हो पहले कहते हैं सोच आदमी को रोक देती है और दिमाग बड़े की सोच
तो दिमाग जब पूरे ब्रह्मांड को लेकर के पैदा हुआ है तो उसमें से एक छोटा सा नुक्ता ही तो निकला है सोच. सोचेंगे तो रुक जाएंगे, सोचता नहीं हूँ, बस सामने मिले करके निकल जाता हूँ. इंदर जी कैसा रहा ये यहाँ पे कॉमेडी करना, लाइट मोमेंट्स शेयर करना रोल के हिसाब से? सर मैं दिखता संजीदा हूँ, हूँ कॉमिक. मेरे व्यवहार में ही हंसी मजाक है और मैं बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि अभी तक मामा जी ताया जी का रोल मिल रहा था, सडनली मेरी एज थोड़ी सी यंग हो गई. सो आई वुड लाइक टू थैंक ज्योति जो हमारी सिस्टर की तरह, एंड अजय एंड द होल टीम. इट्स फैंटास्टिक. और जब आप सर 5-10 मिनट हमारी टीम के साथ बैठ जाओगे आप भी कॉमेडी शुरू हो जाओगे. देखा आपने कहा कि आपको लाइन में खड़े खड़े होकर प्यार हो गया था, तो क्या ये रियल में भी हुआ था? क्योंकि लाइन में पूरा देश लगा हुआ था, तो आपका क्या अनुभव रहा था लाइन रियल में जब लाइन में खड़ी रही होंगी तब? एक्चुअली जब नोटबंदी हुई थी तो लकीली मेरी सिस्टर बैंक में थी तो मेरे को वहाँ से पैसे चेंज हो जाते थे. बट एक दिन मुझे याद है मुझे बहुत अर्जेंट नीड थी पैसे की और मैं एटीएम गई, एंड जब मैं एटीएम गई वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, आई वाज लाइक ओ शिट. एंड फिर जब मूवी बनाई तो आई वाज लाइक ये तो बहुत रियल चीज़ें हैं. और मैं मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस था कि एक बार का, बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे थे जो नोटों के लिए लाइन में लगते थे, बैंक्स में लगते थे, एटीएम पर जाते थे और उनके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते थे क्योंकि लाइन में खड़े खड़े बोर होने के लिए टाइम पास करते थे वो, और ऐसे फ्रेंड्स बन जाते. सो इट वाज सच अ रियल थिंग. तो मुझे लगा कि बहुत रियल चीज़ है जिसपे मैम हम सब ने मूवी बनाई. थैंक यू. अजय आपने छोटे पर्दे पर तो कई तीर मारे हैं, बड़े पर्दे पर कैसा अनुभव रहा आपका? जी बहुत बढ़िया. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मुझे ये फिल्म ऑफर हुई क्रिएटिव कृष्णा एंटरटेनमेंट ने एंड उमरा जी से, तो जब मैंने रोल पढ़ा तो मैं एकदम दंग रह गया क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुझसे रिलेट करता था. तो क्योंकि मैं भी आम जिंदगी में थोड़ा सीरियस रहने वाला इंसान हूँ, तो अचानक से मुझे कॉमेडी करनी पड़ी. तो बहुत अच्छी कोशिश की और मुझे मालूम है कि बहुत अच्छा वो कैरेक्टर निकल कर भी आया है और आई नो सबको पसंद आएगा. थैंक यू. तो जी सर आपसे सवाल है सर, फिल्में बहुत सारी बनती है बट जब भी हम म्यूजिक की बात करते हैं तो म्यूजिक एक्चुअली पीपल गेट कनेक्टेड टू द काइंड ऑफ म्यूजिक किसी भी एक फिल्म को, यू नो. सो व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ अ म्यूजिक और उसका कनेक्शन विद द फिल्म? बहुत बड़ा पार्ट है म्यूजिक का, क्योंकि अगर हम फिल्म का पिलर ही म्यूजिक है. अगर आप देखिए जाए मेरे हिसाब से, मेरा अपना नज़रिया है जिस हिसाब से मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं हॉलीवुड की मूवी देखता हूँ, उनका बैकग्राउंड स्कोर देखता हूँ और उनके स्कोर के पीछे लाइव इंस्ट्रूमेंट्स देखता हूँ, वो कहीं ना कहीं हमारा सिर्फ एक टेक्निकली जो म्यूज़िक आजकल चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स म्यूज़िक. फिल्म एक हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री में शामिल होती है और उस हिस्ट्री में आप हिस्सा लेने के लिए जा रहे हो. और मेरे पास में अगर म्यूज़िक आ रहा है तो मैं उस स्कोर को, बैकग्राउंड स्कोर को लाइव म्यूजिक के साथ में जिंदा करना चाहूँगा जो आज मिसिंग है. क्योंकि आप फिल्म बनाने में एक इंसान कैसे कितने सारे लोगों को जोड़ता है, पूरी टीम खड़ी होती है और वो एक एक सेकंड कितना खर्च किए होते हैं अपनी ज़िंदगी की, और वो जब पर्दे पे आती है तो पब्लिक को नहीं पता होती है कि फिल्म कैसे बनी है, उसमें खून पसीने की कमाई, उसमें कितना मेहनत एक एक आर्टिस्टों ने किया है. हम 2 मिनट में कह देते हैं जाकर के फिल्म देखिए और मज़ा नहीं आया, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा मज़ा आया या नहीं आया, उसकी गहराई में उतर करके हमारे जो ऑडियंस है वो म्यूज़िक को कितना लिसनर की तरह सुनती हैं. हम तो बहुत खुशनसीब थे कि हमारे उस्ताद बहुत बड़े रहे, लीजेंडरी उस्तादों के पास में मैं अपना जीवन को व्यतीत किया हूँ. मैं उस नज़रिए से देखता हूँ क्योंकि म्यूज़िक जो है हमारी धरोहर है, अगर इसको हम नहीं बचाए तो ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि म्यूज़िक नेचर में है. अभी मुझे एक पीहूजी मिली है जो बहुत अच्छा टॉपिक पे मेरे से बात की है और मैं उसी टॉपिक पे पिछले 28 साल से काम कर रहा हूँ, और वो टॉपिक किसी के पास में भी नहीं है. चाहे आप किसी भी टॉपिक पे बात कर लो, एनवायरनमेंट पे बात कर लो, 5 एलिमेंट्स पे बात कर लो,
मैं आपको वो सारा टॉपिक देख सकता हूँ जो किसी के पास में नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी, मेरी जर्नी, किस तरीके से मैं आया हूँ, दो शब्दों में बात कर देता हूँ, उसी में सारा समझ जाएगा कि मेरा जो सोल है वो सदियों से ट्रेवल कर रहा है, सोल जो है वो सदियों से ट्रेवल कर रहा है, और उस ट्रेवल कंपनी का वॉचमैन मैं हूं, तो मालिक कौन है वो, बस इससे ज्यादा और क्या बोलो। डायरेक्टर से सवाल है मेरा, सॉरी डायरेक्टर नहीं आ पाए, एक्चुअली उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से सडनली उनको दिल्ली जाना पड़ा, कल वो आएंगे। अजय जी आपसे एक सवाल, आई मीन जैसे हमने अभी सुना कि आपने छोटे पर्दे पे भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, क्या आपको लगता है कि जो छोटा पर्दा होता है वहाँ पे जब काम एक आर्टिस्ट करता है, एक्टर करता है, वो डिफिकल्ट होता है और टू बी ऑन द बिग स्क्रीन जब एक सिनेमा बन के सामने आता है? देखिए एक्टर के लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि एक्टर को जिंदगियाँ जीनी होती हैं, चाहे वो छोटा पर्दा हो चाहे वो बड़ा पर्दा हो। छोटे पर्दे पे थोड़ा सा ये होता है कि कम समय में काम ज़्यादा करना पड़ता है, ये ज़रूर है, लेकिन बड़ा पर्दे में भी सेम है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगा। जो है नोटबंदी के टाइम बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ था सर, आपने तो अपनी प्रॉब्लम्स बता दिए, मैं और लोगों से जानना चाहूँगा कि उनको किस तरह की मुसीबतें फेस करनी पड़ी थी, अगर रियल लाइफ की बात करें तो इस दौरान। ओके, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी क्योंकि 2000 का नोट था और 2000 का छुट्टा कहीं नहीं मिलता, और आज तक ये प्रॉब्लम है कि 2000 का छुट्टा कहीं नहीं मिलता। आप अगर ऑटो में नॉर्मली कहीं जा रहे हो, वो 2000 का नोट देखते हैं, नहीं नहीं मैम हम आपको बिठा ही नहीं सकते। अगर आप नॉर्मली किसी दुकान से भी पूछते हो, अच्छा भैया 2000 का छुट्टा है, वो पहले ही नहीं नहीं मैम हमें बेचना ही नहीं है। तो एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि 2000 का इतना बड़ा नोट आ गया है कि मतलब उसका छुट्टा नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, बहुत सारी जगह पे लाइनें लगती थी, ये तो आप सबको पता ही है। मुझे तो बस ये 2000 के नोट वाली प्रॉब्लम आई थी, और लाइनों में खड़ा होना मैं बच गई थी बिकॉज मेरी सिस्टर लकीली बैंक में थी, बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को यही प्रॉब्लम आई थी नोट एक्सचेंज करने की। उसके अलावा बहुत सारे लोगों के पास इतना सारा पैसा था, उसे बाहर निकालने में भी आई थिंक उन्हें प्रॉब्लम आई थी। और उसके अलावा बहुत सारी, मतलब मेरी खुद की मम्मी भी बहुत सारी सेविंग्स करती रहती हैं, तो पापा को नहीं बताते, घर में किसी को नहीं बताते। आई थिंक हर हाउसवाइफ ऐसे सेविंग्स करती होगी, तो जब उन्होंने वो पैसे एक्सचेंज कराने के लिए अपने पतियों को बताया या बच्चों को बताया, तो उनको बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया था कि ये कहाँ से आप सेव कर रहे हैं, एंड उनकी आइडेंटिटी पे भी आया था कि ये कहाँ से आ रहा है पैसा, क्योंकि लिमिट कर दी गई थी आई थिंक कि इतना पैसा ही एक्सचेंज हो सकता है। सो आई थिंक इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स थे, बाकी सर आप बताइए। मेरे से बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और मेरा ब्रदर नीरू, जो साथ में म्यूजिक भी किए, नीरू तोची रैना के नाम से, सेम 8 नवंबर को हम लोग यहाँ से निकले थे पंचगणी के लिए महाबलेश्वर, और हमसे अच्छा एक्सपीरियंस किसी का नहीं होगा। 2000 तो बाद में आए, लेकिन उस दिन जेब में पैसे नहीं थे, ATMs थे, और जब रात को 8 बजे के बाद में ATM भी बंद हो गई, और हम 3 दिन रहे वहाँ पे और पैसे भी नहीं है, और वहाँ महाबलेश्वर में जहाँ रुके थे उन लोगों ने कितनी मदद की, मैं आके उनको पैसे यहाँ से ट्रांसफ़र मारा हूँ, वो एक्सपीरियंस आपको नीरू बताएगा। नहीं एक्चुअली सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं, उनको हो सकता है किसी को बैड एक्सपीरियंस रहे हों, बट इतना ज़्यादा बैड मुंबई में तो एटलीस्ट नहीं रहा, हो सकता है छोटी जगह में रहे हों। हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई पैसे के लिए, पैसे निकल जाते थे। हम महाबलेश्वर थे और एज यूजल हम जैसे होता है कि हमारे पास कार्ड है, कैश की क्या ज़रूरत है, कहीं भी जाएंगे कार्ड स्वाइप कराएंगे। लेकिन कुछ कुछ जगह पर कैश की ज़रूरत पड़ने लगी, जहाँ पर हम होटल में ठहरे थे वो उन्होंने मना किया, नहीं सर हमको आपको पैसा देना पड़ेगा, सर हमारे पास तो नहीं है, कार्ड नहीं चलेगा। तो हमने उनको बताया कि भाई कैसे कैसे, ये आप कौन हैं, तोची जी कौन है, तो वो बोले अरे आप हमारे यहाँ, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, आप रहिए, कितना दिन रहना है आपको, सर आप घर जाके पैसे दे दीजिएगा। तो लकीली फिर होटल का सॉल्व हो गया, खाने के लिए जहाँ भी जाते थे कार्ड, किसी ने कार्ड ले लिया, कुछ ले लिया। हम 3 दिन सिर्फ कार्ड से ही पूरे महाबलेश्वर घूम के मुंबई वापस आ गए, कैश की जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं।
Ranbir in the film, it looks like someone. Yeah, please. Ranbir in the film, it looks like you've been deserted. Have you been deserted in the real life also? How was your experience? Lag raha tha, matlab wo pain dikh raha tha. Pain and agony could be seen. Dekhiye, there's a famous saying ki jab aapka dil tootta hai, aur bahuton ke saath shayad hua hoga, lekin kabhi-kabhi, especially ladkon ke liye, wo dil tootna bahut zaruri hota hai. Usse insaan actually jo thokar padti hai na, wo line pe le aati hai. To हाँ मेरे साथ हुआ है, बहुत अर्ली एज में हुआ है, लेकिन उससे मैं लाइन पे आया हूँ, ट्रैक पे आया हूँ. और हालांकि इसमें पूरी ठोकर नहीं पड़ी है, लात ऊपर उठा था बस लात वापस आ गया. लेकिन हाँ, वो पेन ज़रूरी है कभी कभी इंसान को सही ट्रैक पे लाने के लिए. उसके बाद कभी लाइन नहीं मारी? बिल्कुल नहीं, दोनों तरफ मेरे दीवार है, मैं सीधी लाइन खड़ी देखता हूँ. अच्छा, वो लिरिसिस्ट आई एम फॉरगेटिंग योर नेम, टी सिंह, वो उषा टी सिंह, राइट? आपका नाम बताना चाह रही थी आपको. आप इधर, आपने ये मतलब फर्स्ट टाइम लिख रही है लिरिक्स? नहीं, मैंने पहले भी लिखा है. अच्छा, कौन सी फिल्म में लिखा था और मीटर किस अंदाज में बैठाती हैं? नहीं, मैं जो लिखती हूँ अभी इनके लिए ही लिखती हूँ फिलहाल तो. और एक दो एल्बम आई हैं मेरे, सोना सजन, हाँ, तो उसमें भी मैंने लिखा है पहले. और बहुत सारे लिखे हुए हैं, हजारों गाने लिखे हुए हैं, अभी तो आने बाकी हैं, धीरे धीरे आएंगे. फिलहाल इस फिल्म में लिखा है मैंने जो भी लिखा है. और गलती से मेरी वाइफ है. ओह, पोल खोली आपने. तो मतलब आप हर जगह इनको प्रमोट करेंगे. एक्चुअली 10 साल हो गए गाना सीखते हुए, गाना भी सीखी हुई है और राइटिंग बहुत अच्छी है, थोड़ा डिफरेंट लिखती है. और सबसे पहली बात, इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, मेरे को सुनना, मेरी फिलॉसफी, और मैं 28 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, विपासना से हूँ. तो पोइट्री क्या कहती है, पोइट्री की फिलॉसफी क्या कहती है, तो करीब से जानने का जो मौका मिलता है कि ये जो मैं प्लेइंग कर रहा हूँ हारमोनियम का, ये रूट्स किधर जा रहे हैं, तो उस पर लिखना बहुत मुश्किल काम है. आप कंपोजिशन किसी को दे दो वो लिख देंगे, लेकिन ये 2 मिनट में लिख देती हैं. जो गाना अभी सोने पिया आया है मेरा, वो 2005 में इन्होंने लिखा था, अभी वो गाना आया है. तो एक सोना सजन एल्बम आया था, वो पूरा लिखा. पहली बार मौका मिला ऐसे फिल्म का, मैं कहा चलो लिखो. अजय ने बोला कि पाजी नहीं, मेरे को वो गाना चाहिए. मैं तो जस्ट ऐसे ही अजय को सुनने, पाजी वो गाना चाहिए, तो फिर मैं बोला कि तू लिख. ज़्यादातर आपको ये बताएंगे कि ये क्या सोचती हैं. इन्होंने मुझसे बोला था कि गाना लिखना है फिल्म के लिए. फिर जिस तरह लोगों को नोट बदलवाने में दिक्कत आई थी, उसी तरह मुझे भी थोड़ी दिक्कत आई थी लिखने में, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी. बट धीरे धीरे किया काम, सब ने मिल के सपोर्ट किया, बताया मुझे, सिचुएशन बताई गई, उस हिसाब से फिर मैंने लिख दिया, तो पास कर दिया इन लोगों ने. अब आप फिल्म में देखिएगा जो भी लिखा है मैंने. लास्ट सवाल सरदार जी से, तुम्हारा नाम भूल गई मैं, इंदर सिंह. लास्ट सवाल, शादी करवाते करवाते नंबर वन matrimonial.com खोलने का ख्याल तो नहीं आया? मैडम, और दूसरा, आपने अपने लिए कोई दूसरी तो नहीं ढूंढी? नहीं मैडम, मेरी एक ही बहुत है और मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ. एक सरदारी करोड़ों के बराबर. मैडम फिल्म के बाद काम कुछ ठप पड़ गया. दोस्तों, रिक्वेस्ट यू, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज़ की.